किसानों को गुमराह कर सस्ता में आई भाजपा के शासनकाल में उत्तर प्रदेश का किसान परेशानियों से जूझ रहा। जब भाजपा सत्ता में नहीं थी, देश के अन्नदाता से वादा किया था कि यदि भाजपा की सरकार बनी तो हम किसानों की आय दुगनी करने फसल का समर्थन मूल्य निर्धारित करेंगे। सरकार बनने के बाद भाजपा किसानों की खुशियां छीनने का काम कर रही है। वक्त विचार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह लल्लू ने विकास खंड देवा के ग्राम सरैया मजरे तहसील में आज आयोजित किसान जन जागरण अभियान के दौरान किसानों से संपर्क कर किसान मांग पत्र करवाने के बाद किसान सम्मेलन में व्यक्त किए प्रदेश कोषाध्यक्ष नईम सिद्दीकी द्वारा आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मोहसिन तथा संचालन पार्टी प्रवक्ता राजू शर्मा ने किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसान की आवाज़ बनेगी, किसानों की समस्याओं की लड़ाई लड़ेंगे। अतिथि के रूप में राष्ट्रीय सचिव जुबेर खान तथा नीरज गुजर मौजूद थे। इस मौके पर तनुष पुनिया, शिव नारायण सिंह, पूर्व सांसद एपी गौतम, पूर्व विधायक छोटेलाल यादव, राजलक्ष्मी वर्मा, पूर्व विधायक ललितेश पति त्रिपाठी, ममता चौधरी, अमरनाथ मिश्रा, आर के चौधरी, अमरनाथ हैदर, हैदर फरमान, वारसी कपिल देव वर्मा, मोहम्मद इरफान कुरैसी, ज्ञानेश शुक्ला, देवा ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र वर्मा, सरफुद्दीन आदि मौजूद थे। बाराबंकी से सुनील कुमार की रिपोर्ट। और ऊर्जावान नेता और बाराबंकी के भविष्य भाई तनु पुनिया जी से अनुरोध, संदेश देना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश का किसान हताश और निराश है और कांग्रेस पार्टी ने आज किसान जन जागरण अभियान की शुरुआत इस बाराबंकी की धरती से की। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता किसानों से मिलेगा, निश्चित रूप से उनसे मिलकर उनकी समस्याओं को जानने का काम, उसको लिखित रूप से अंकित करने का काम और उनकी समस्या को लेकर संघर्ष करने का बिगुल लगभग 40 दिन तक लगातार ब्लॉक से लेकर विधानसभा तक घेरने की तैयारी कांग्रेस पार्टी की। गन्ने का किसान, धान का किसान, आवारा पशुओं के नाते जिस तरह किसान हताश और निराश है। बाह में, आगरा में एक किसान ने तो आत्महत्या कर ली सिर्फ इसलिए कि आवारा पशुओं ने उसके पूरे फसल को नष्ट कर दिया। उसके पास कर्ज में डूबा था वो किसान। बुंदेलखंड का किसान, रोज लगभग 35 किसान पूरे देश में आज आत्महत्या करने पर विवश है। 3 सालों में 12,000 किसान। सम्मानित नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र वर्मा जी, मंच पर बैठे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे आदरणीय श्री आर के चौधरी साहब, आदरणीय श्री छोटेलाल यादव जी, पूर्व विधायक राजलक्ष्मी वर्मा जी, पूर्व विधायक सरवर अली साहब, यूथ कांग्रेस के महासचिव ज्ञानेंद्र शुक्ला जी, सम्मानी फवाद किदवई साहब, रंजीत मिश्रा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष अमरनाथ मिश्रा जी, पूर्व नगर अध्यक्ष इरफान कुरैसी जी, मंच पर बैठे नईम सिद्दीकी साहब उपस्थित, हमारे साथी और सहयोगी और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ललितेश त्रिपाठी जी, सम्मानित मित्रों, मंच पर बैठे सभी अतिथिगण उपस्थित, इस सभा में आए यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस,